Good morning everyone. Very warm. Welcome to Baby Goat Free IELTS classes. I'm Tanu Vermani here, an IDP certified trainer plus a TEFL to SOL certified trainer, too. So I'm back with my live session number two. The topic of that session is how to perform at your best for part one. That is introduction and interview. How we are going to plan our part one? our Part 1 speaking ka or part one speaking it is about introduction. एंड इंटरव्यू बेसिकली प्लान करोगे राइट पार्ट वन होता क्या है जैसे मैंने सेशन वन में डिस्कस करा था ऑलरेडी कि पार्ट वन इज मोर फेमिलियर टॉपिक्स यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन मिलते हैं यू विल गेट क्वेश्चन अबाउट योर लाइक्स योर डिस आर समॉपिक्स विच विल डिस्कअर राइट Now what is part one? Part one now we are going to talk about हम कुछ tips की बात करने वाले हैं जो आपको speaking test में help करती है और आप उसी form में क्या करते हो पूरे speaking test को continue करते part one जो होता है speaking test का वो सबसे easiest part होता है now why it is easiest? Because आप familiar होते हो अपने आप से right यहाँ पे topics क्या है आपसे related है familiar topics है so you know about yourself एंड यू कैन प्लान योर आंसर ईजिली बिकॉज क्वेश्चन कैसे होते हैं आपके बारे में है वॉट डू यू डू डू यू वर्क डू यू स्टडी वेयर डू यू कम फ्रॉम वेयर इज योअर होम टाउन हाउ योर होम टाउन लुक्स लाइक वॉट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट योर होम टाउन सो ऑल द क्वेश्चन आर वेरी फेमिलियर विद योर सेल्फ राइट यू माइट ऑल्सो भी आज क्वेश्चन अबाउट योर फैमिली आपकी फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपकी कंट्रीज से रिलेटेड भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपकी एक्टिविटीज

अगर आप आंसर अच्छे से करोगे तभी एग्जामिनर को लगेगा यस दिस पर्सन स्पीकिंग एबिलिटी है right? yes no आंसर देना चाहिए पार्ट में सिर्फ यस या नो में आंसर नहीं देना यू हैव टू एक्सप्लेन अगर आपको बाइसिकल राइड करना अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है यू हैव टू एक्सप्लेन वाई एंड वाई नॉट वाला सिचुएशन अगर आप वाई एंड वाई नॉट को एक्सप्लेन नहीं करते एग्जामिनर विल प्रॉम्प्ट यू अगेन कि आप वाई और वाई बताओ राइट नो द एक्सपेक्ट नो द क्वेश्चन अगेन यू हैव टू हैव योर नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन मेक यू साउंड लाइक गुड दैट मीन यू कैन एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन हमारा आने वाला है और ये आ सकता है एंड यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली ट्राई टू एक्सपैंड योर आंसर डू नॉट स्पीक लेस हेयर ये स्पीकिंग मॉड्यूल है जब तक बोलोगे नहीं आपका इवेल्यूएशन कैसे होगा राइट सो डू नॉट कट डाउन योर आंसर विद यस नो और वन सेंटेंस मेक इट फॉर एटलीस्ट टू टू थ्री सेंटेंसेज ट्राई टू आंसर ऑल क्वेश्चन आज बाय द एग्जामिन डू नॉट एवर लीव एनी क्वेश्चन अगर आपको किसी का आंसर नहीं भी पता तब भी आप अपने आंसर को प्लान करो कि आई होप Uh, well it's a tricky question for me i have never came across such questions right ki आपने कभी ऐसा question face नहीं करा या कभी आपने ऐसा situation face नहीं करा और कभी आपने ऐसा answer नहीं दिया right but you have to plan yahan pe aapke aapke ideas ko judge nahi kiya jata they evaluate your speaking skills on the basis of four band parameters jo maine aapko pehle bataye hain right आपके आइडियाज़ को वो कभी जज नहीं करते आपकी स्पीकिंग स्किल्स को जज करते हैं फोर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल मैनर एग्जामिनर कॉल्स योर नेम और कैंडिडेट नंबर तो आपको क्या करना है जब एग्जामिनर आपका नेम पूछेगा कैंडिडेट नंबर बोलेगा यू हैव टू स्माइल एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड विद वर्ड इट right, आपको रिस्पॉन्ड करना है जब उन्होंने पूछा कि यस आर यू दिस सपोज एग्जामिनर सेज आर यू तनु यस दैट्स मी करेक्ट और या फिर आपको कोई सिमिलर फेस बोलना है लेकिन यू हैव टू कॉन्फिडेंटली मीट देम यू हैव टू ग्रीट देम आल्सो कॉन्फिडेंटली विद सिंपल हाय हेलो और हाउ आर यू राइट ग्रीटिंग्स आर द आई वुड से जीरो पार्ट इन द स्पीकिंग टेस्ट यू हैव टू ग्रीट योर एग्जाम Now sit down at the test table. Now your start. Now your speaking test will begin. Now you can sit at the best test table, breathe in, get ready, and remember to smile and appear at the east. Right? Do not hesitate. Do not get nervous. Examiner will have started the recorder. जैसे ही table पे examiner recorder start and will have their paperwork ready for the test. paper क्या क्या क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं वो सब रेडी रहेगा एग्जामिनर विल लुक फॉर योर पासपोर्ट आपकी आइडेंटिफिकेशन चेक होती है आपकी आइडेंटिटी चेक होती है है so सो इसलिए आपको टेबल पे उसको रखना है. और अगर आपकी पॉकेट में है और समथिंग एल्स यू कैन कीप इट एंड शो और उसको दिखाओ एग्जामिनर विल रीड ऑल योर डिटेल्स एंड विल आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट हु यू आर एंड वेयर यू आर फ्रॉम अब एग्जामिनर आपकी डिटेल्स रीड करेगा राइट right? आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन हो आप स्टूडेंट हो वर्क करते हो कहाँ से हो वेर आर यू फ्रॉम सो आपको इसको ब्रीफली क्या करना है आंसर करना है आई कम फ्रॉम चाइना डू नॉट प्रोड्यूज अ मेमोराइज आंसर अबाउट द लोकेशन ऑफ योर सिटी रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपको कभी भी यहाँ पे memorized आंसर नहीं देने राइट right? कि आप इस सिटी से हो या ये क्यों फेमस है राइट right? यू हैव नॉट बीन आस् फॉर दिस इन्फॉर्मेशन की वो क्यों फेमस है आपको सिर्फ ये बताना है कि वेयर आर यू फ्रॉम स्टूडेंट उसमें क्या करते हैं सिटी क्यों फेमस है ये भी बता देते हैं नो माइड भी उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये हो कि वट इज अट इंटरेस्टिंग पार्ट इन योर सिटी सो ऑलवेज रिप्लाई योर आंसर लुकिंग एट द क्वेश्चन हेयरिंग द क्वेश्चन दैट वॉट एग्जामिनर से एग्जामिनर बोल क्या रहा है आपसे एग्जामिनर से are, तो आप हुआ बताओगे और वेयर यू आर फ्रॉम दैट मींस आप अपनी सिटी का बताओगे कि आप कौन सी सिटी से राइट right? कौन सी स्टेट से हो कौन सी सिटी से हो यू हैव टू टॉक अबाउट योर कंट्री राइट एग्जामिनर चेक्स योर आईडी सो पासपोर्ट रेडी करके रखो इजी फॉर यू कि आप हैंड ओवर करो एग्जामिनर को चेक करेंगे एग्जामिनर एंड देन यू विल स्टार्ट विद योर एग्जाम नाउ एग्जामिनर आस्क यू अबाउट व्हाट डू यू डू और वेयर यू लिव फेमिलियर क्वेश्चन आपसे पूछना ही वाला है एग्जामिनर अगर आप इफ यू वर्क एंड स्टडी राइटामिनर विल चूज विच क्वेश्चन दे वॉन्ट टू आस्क यू बेस्ड ऑन योर आंसर अब आपके पास सपोज आप वर्क भी करते हो आप स्टडी भी करते हो तो आप एक ऑप्शन को चूज करो दोनों को मत चूज करना की आप स्टडी भी करते हो और आप वर्क भी करते हो िनर उसी में बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछने वाला सो so, आप कंट्रोल कर सकते हो अपने choice of topic अगर आप वर्क और स्टडी दोनों बोलने वाले हो तो एग्जामिनर कोई डू नॉट वर्क आई एम अ स्टूडेंट तो वो आपसे स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा राइट right? सो so, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो अपने टॉपिक के चॉइस को कंट्रोल कर सकते हो बाये सिलेक्ट करके की आप इधर स्टडी करते हो और वर्क करते हो इफ यू डोंट स्टडी योर वर्क अगर आप स्टडी और वर्क नहीं करते यू कुड रिस्पॉन्ड लाइक दिसक आई एम स्टेट होम पेरेंट तो मैं क्या मैं घर पर रहता हूँ घर पे रहने वाला बच्चा हूँ राइट सो वॉट यू यू से ना स्टडी करता हूँ ना मैं वर्क करता हूँ आई एम स्टेट होम पेरेंट राइट सो दैट मीन्स मैं क्या हूँ स्टे एट होम पेरेंट हूँ नाउ लिसन टू देंस एंड मेक श्योर योर आंसर मैचेस द अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया वॉट डू यू स्टडी करते हो so अगर आपको प्रेजेंट में आंसर देना है, अभी आप कर रहे हो स्टडी, तो आप studying science at university, right? आप आप बोलोगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी भी मेंशन कर सकते सकते हो, और साइंस के साथ साथ अपना पूरा कोर्स बता सकते This is a very easiest way to answer कि डिड यू स्टडी अब वॉट डिड आ गया क्या पढ़ते थे right? i studied science when i was at university मैं साइंस पढ़ता था तब जब मैं कहां था यूनिवर्सिटी में था राइट right? अब फ्यूचर में फ्यूचर का क्वेश्चन है व्हाट विल यू स्टडी क्या पढ़ने वाले हो i am planning to study science in the future सो so, आपका टेंस यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए राइट right? बिकॉज़ आपकी ग्रामर यहाँ इवैल्यूएट होती है आपके सब्जेक्ट आपके वर्ब एग्रीमेंट

जैसे कि जिस क्वेश्चन पे मैंने करा है, yes no yes no में आपको आंसर नहीं देना यू हैव टू एक्सटेंड योर आंसर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है नो में सो एग्जामिनर विल आस्क यू वाई नॉट सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप खुद ही एग्जामिनर को ये चीज एक्सप्लेन कर दो

I studied science when I was at university and now I'm preparing to do my doctorate. Up science study karat university level, prepare a doctorate. Right? So you can extend your answer like this. What you will study? What will you study? I'm planning to study science in the future as I believe that scientists will help us. डील फ्यूचर एनवायरमेंटल क्यों पढ़नी है? तक क्योंकि क्या करते है पढ़ के वो क्या बनेगा, बनेगा और बनने के बाद वो क्या डील करेगा जो इशूज होते हैं सो यू आर गिविंग एन आंसर ऑफ वाई सिचुएशन आप वाई का आंसर दे रहे हो सो प्रिपेयर फॉर दीज फेमिलियर क्वेश्चन मेक श्योर की आप जब बात करो और अपने वर्क और स्टडी से रिलेटेड आप उसे प्लान करके बोलो राइट right? आप उन जगह के बारे में बता पाओ जहां आप रहते हो अपनी कंट्री के बारे में अपनी सिटी अपने होम टाउन अपने विलेज के बारे में राइट right? और जब भी आप इनको आंसर करो आपको क्या यूज करने है कनेक्टर्स यूज करने है कोहेसिव डिवाइसेस, लिंकिंग वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस इसमें मैं आपको पूरा एक सेशन कराऊंगी विद माई अपकमिंग सेशन की आपको कोहेसिव डिवाइसेज कैसे यूज करनी है लिंकिंग वर्ड कैसे यूज करने है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ बट येस इन शॉर्ट

राइट जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बहुत क्विकली भी नहीं बोलना बहुत स्लोली भी नहीं बोलना यू कैन स्माइल ओकेजनली जैसे आप बोल रहे हो यू हैव टू लिटिल मेक योर फेस स्माइली ठीक है एंड दिस एक्शन ओपन योर माउथ अबेट वाइडर और हेल्प करता है आपको किस चीज में साउंड क्लियर मेक श्योर टू यूज योर इंटोनेशन दैट मीन द पिच द अप एंड डाउन ऑफ योर टोन द रिदम स्ट्रेस करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे और वर्ड्स दैट शो अ अंट्रास्ट Right. So look at this statement. Well, I when I was younger, I love candies. So I'm stressing the words. But now that I'm older, I hate them. So but now is a contrast here. I am older, I hate them. Right? So you have to speak in such a way that your pronunciation is at the top, and you will get more than band seven. Now, next. ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं समझ आता तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो राइट कुड यू रिपीट प्लीज आप उनसे पूछ रहे हो कुट प्लीज क्या आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो वट डज डैश मीन्स आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो वो भी आप पूछ सकते हो वट डज दैट मीन्स बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा आंसर ही एग्जामिनर से एक्सपेक्ट कर लोगे आप अपने क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उसे उनसे पूछ सकते हो बिकॉज दे विल और फिर आप उसे क्या कर पाओगे आंसर कर पाओगे नाउ पार्ट वन करेंगे, जैसे कि है some questions, जब आप answer करते हो कुछ किस को आप क्या करते हो कहाँ रहते हो इन कॉमन टॉपिक्स पे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंटरेस्ट आपकी हॉबीज आपके लाइक्स और आपके डिसलाइक के बारे में पूछे जाते हैं राइट अब आपको यूट्यूब का एक लिंक मिलेगा गो टू द वेबसाइट आईडी पी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ आप जो यूट्यूबी पी ऑफिशियल उसका क्या मिलेगा पूरा स्पीकिंग टेस्ट मिलेगा उसको कैसे सेवन पॉइंट फाइव मिला है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में वो आपको देखना है आई वुड से हमेशा आप ऑफिशियल साइट पे जाओ ठीक है आईडीपी की नेवर रेफर टू एनीथिंग एल्स वहां पे जाके आपको क्या करना है आपको देखना है कि कैसे पार्ट वन के क्वेश्चन को उसने आंसर करा है. और टू फिमिलर टॉपिक्स उससे पूछे गए हैं फ्रेंड्स एंड फूड कुकिंग ठीक है यहाँ पे फ्रेंड्स के बारे में पूछा गया फूड एंड कुकिंग के बारे में पूछा गया अब ही एक्सटेंड इज आंसर गिविंग रीजन फॉर हिज ओपिनियन एंड आइए उसने कैसे आंसर दिए इफ द आंसर इज बिट शॉर्टर अगर आंसर शॉर्ट होता है तो एग्जामिनर और पूछता है राइट right? वो बोलता है कि आप एक्सटेंड करो विद वाई और वाई नॉट सिचुएशन सो दैट इज वाई आई एम स्ट्रेसिंग मैं बोल रही हूँ कि आप क्या करो पहले से ही अपने आंसर को एक्सटेंड करो एग्जामिनर को ये चांस ही मत दो कि वो आपसे दोबारा से वो क्वेश्चन पूछे या उसका रीजन पूछे तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं और किस किस टॉपिक पे सो so जब फ्रेंड से रिलेटेड टॉपिक आता है

Do you usually see your friends during the week or the weekends? अब आप अपने friends से कब मिलते हो Week में या weekends में The last time you saw your friends, what did you do together? जब last time आप अपने friends से मिले थे तब आपने क्या करा था In what ways are your friends important to you? अब किस वेज में आपके friends आपके लिए important है I would like to move on to talk about food and cooking. आपका friends का एक टॉपिक ओवर हुआ अब फूड एंड कुकिंग के बारे में बात हो रही है आप कौन सा न्यू फूड ट्राई करने वाले अब आप न्यू फूड तो बताओगे उसका रीजन भी तो बताओगे कि क्यों आप ट्राई करने वाले सिर्फ ये नहीं बोल सकते आई टू ट्राई इटालियन फूड क्यों इटालियन करना है ये रीजन आपको देना है डू यू लाइक कुकिंग इफ यू लाइक कुकिंग आप बोलोगे की येस आई डू बट क्यों अच्छी लगती है ये रीजन आपको देना है अगर आपको नहीं अच्छी लगती कुकिंग तो क्यों नहीं अच्छी लगती राइट वॉज द लास्ट मील आपने लास्ट मील कौन सी कुक करी वो आपको बता नाउ यू हैव टू आंसर इनलवेज फंक्शनल लैंग्वेज क्या होती है यूजिंग फंक्शनल लैंग्वेज आप क्या कर पाते हो यू आर एबल टू एक्सेस लैंग्वेज टू कीटर्स होते हैं आपके इसमें जो क्या हेल्प करते हैं वो फ्रेजेस होते हैं जब आप डिफिकल्टू फेस डिफिकल्टी इन आंसरिंग द क्वेश्चन सो ये लैंग्वेज क्या करती है पर्सनल एक्सपीरियंसिस को शो करती है कि आप अपने आंसर को एक्सटेंड कर सकते हैं It is important that you vary your language when introducing personal experience, showing the examiner that you can extend your answer. Now, what phrases you use? Kar sakte ho. I once. I remember when I was in childhood. Right? Or I remember when I was at the age of 10. Back when I was teen. Right? So, what phrases you use? Kar rahe ho. अपनी लैंग्वेज को शो करने के लिए अपने आइडियाज को कीप स्पीकिंग करने के लिए बोलने के लिए राइट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वेन जब आपको कई बार आंसर को नहीं फ्रेम करना आता तब आप क्या करते हो इन लैंग्वेज का यूज करते हो और लैंग्वेज का यूज करो भी सही बिकॉज ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं राइट right? इससे आपका आंसर भी एक्सटेंड हो जाता है वेन आई वॉज वेरी यंग नॉट सो लॉन्ग एगो बैक इन द डे वेन आई वॉज

सो प्रिपेयर योर सेल्फ नॉट टू शॉर्ट डू नॉट गिव शॉर्ट आंसर आपको शॉर्ट आंसर नहीं देने इससे एग्जामिनर को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको आंसर को एक्सटेंड करना है एक्सप्लेनेशन देना है एग्जाम्पल देना है ताकि आप अपने पॉइंट को क्या कर पाओ सपोर्ट कर पाओ बट बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं देने बहुत ज्यादा छोटे आंसर भी नहीं दे राइट इफ यू गिव वेरी लॉन्ग आंसर टू सिंपल क्वेश्चन अगर सपोज करो आपसे सिर्फ यही पूछा गया वेयर डू यू लिव और आप बता दो आई लिव इन डेली और उसके बाद आप डेली से रिलेटेड चार पांच स्टेटमेंट बता दोगे सो दैट इज वेरी लॉन्ग आपको वो नहीं बताना राइट सो इट्स गोइंग टू साउंड वेरी एंड नैचुरली साफ देखेगा कि आप मेमोराइज करके आए हो आंसर को आपने डेली के बारे में पांच छह लाइनें लर्न कर लिया है और वो आप बोलने वाले नो टू टू थ्री सेंटेंसेस आर मोर देन देनफ राइट नाउ कॉमन क्वेश्चन किस पे आते हैं आपकी जॉब से रिलेटेड आपकी स्टडी से रिलेटेड यू शुड बी एबल टू इजिली टॉक अबाउट वॉट यू डू कि आप क्या करते हो इफ यू डोंट वर्क और स्टडी एक्सप्लेन वाई अगर आपने दोनों ही बोल दिया कि ना मैं स्टडी करता हूँ ना मैं वर्क करता हूँ तो क्यों नहीं करते हैं? ये भी आपको आंसर देना है आपके होम टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि आप कहाँ से हो डिस्क्राइब करो वो आपसे आपके ओपिनियन पूछते हैं आपके होम टाउन से रिलेटेड आपके विलेज से रिलेटेड जो भी आप जहां भी रहते हो राइट right? आपके होम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आपका अभी कहाँ रहते हो आपका नेबरहुड कैसा है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स कैसे हैं जिनके साथ आप रहते हो अदर कॉमन टॉपिक्स आपके कौन कौन से होते हैं द कॉमन टॉपिक्स कम जो आते हैं हैं स्पीकिंग पार्ट में वो होते फ्री टाइम टेलीविजन फैशन स्पोर्ट्स इंटरनेट बुक्स फूड वेदर फैमिली योर लाइक्स एंड योर डिसलाइक्स इसमें बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्या हो जाते हैं कवर हो जाते हैं राइट right? अब हम कुछ कॉमन टॉपिक्स को देखने वाले हैं विद सैम्पल आंसर और ये वो सैम्पल आंसर है जो बैंड हाई स्कोरर्स को मिले हैं राइट डू यू वर्क और स्टडी आप क्या वर्क करते हो या स्टडी करते हो आई ग्रेजुएटेड अ फ्यू इयर्स एगो एंड आई एम नाउ इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट आई वर्क एज अ इंग्लिश टीचर फॉर द ब्रिटिश काउंसिल अब यहाँ पे देखो उससे पूछा गया था कि आप वर्क करते हो या स्टडी करते हो तो उसने बताया कि मेरी स्टडी तो कंप्लीट हो चुकी है अब मैं क्या हूं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में राइट दैट मीन वर्किंग और कहा वर्क कर रहे, so ये भी बताया, काम, कर रहे हैं। कहां काम कर रहे हैं ये भी बताया राइट वाई डिड यू चूज दैट जॉब क्यों आपने वो जॉब चूज करी नेक्स्ट क्वेश्चन आई वॉज लॉयर फाउंडेड टू बी रियली फ्री टाइम

जॉब छोड़ने के बाद उसने सोचा कि अब मैं टीचिंग करता हूं जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट है और इसमें मुझे क्या मिल रहा है ये स्ट्रेसफुल भी नहीं है और मुझे टाइम ऑफ भी मिल रहा है राइट right? सो so, आपको अपने आंसर को प्लान करना है आपको रीजन देना है कि आप क्यों टीचर बने आपका प्रोफेशन था सॉरी uh, आपको पैशन था शुरू से बीइंग अ टीचर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है यू विल गिव योर आंसर आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग प्लान करके दोगे राइट right? डू यू एंजॉय योर जॉब क्या आप अपनी जॉब एंजॉय करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम अब हमेशा ना ट्राई करो कि जो क्वेश्चन है उसको करो. Same words को मत पिक करो. अगर आपसे पूछा जा रहा है डू यू एंजॉय योर जॉब आई एंजॉय माई जॉब नो हमेशा आई लव आई इनसे स्टार्ट मत करो स्टार्ट विद डिफरेंट वर्ड स्टार्ट विद फंक्शनल लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेटली सर्टनली

आपको क्या करना है रीजन देना एक्सटेंड करना है अपने आंसर को बट यू समटाइम्स हैव लेसन दैट डू नॉट गो सो वेल एंड द मनी कुड ऑलवेज बी बेटर ठीक है तो अब प्रॉपर प्रो, प्लान आंसर है एक्सटेंड आंसर है रीजन के साथ होम टाउन वेयर इज योर होम टाउन आपका होम टाउन कहाँ है मोस्ट्रोथ ऑफ द कैपिटल ऑफ थेट कॉस्ट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इट्स कॉल्ड डेंड्रम एंड इट्स अबाउट वन आवर साउथ ऑफ द कैपिटल सिटी अब आपको क्या करना है आपको बताना है कि आप कहाँ से हो ठीक है कितना फ्रीक्वेंटली आप विजिट करते हो नॉट मच नॉट एज मच एज आई कूड आई ओनली गेट टू विजिट अबाउट वंस अयर नाउ टू सी माई फैमिली बिकॉज आई एम रियली बिजी विद वर्क अब वो कितने जाते हैं अपने होम टाउन विजिट करने ये आपको बताना है राइट आप वीकली जाते हो आप ईयरली जाते हो आप मंथली जाते हो आप कैसे जाते हो यू कैन टॉक अबाउट इट क्यों नहीं जा पाते ये भी बताओ जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो ये भी बताओ राइट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ योर होम टाउन अब आपके होम टाउन का ओल्डेस्ट पार्ट क्या है आपको लगता है कि वहां पे कोई टेम्पल है कोई कासिल है कोई बिल्डिंग है कोई मॉन्यूमेंट है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो राइट कैसा उसका व्यू है आप वो भी बता सकते हो कितना दूर है वो आपके घर से ये भी बता सकते हो और वो ओल्डेस्ट कैसे है ये भी आप बता सकते हो राइट सो यू हैव टू एक्सटेंड योर आंसर योर होम अब आपके होम के बारे में पूछा जा रहा है वेयर डू यू लिव So, आपने बोला आई लिव ऑन स्कर्ट्स ऑफ हाउ चैन मेन सिटी इट्स किलोमीटर फ्रॉम सिटी सेंटर अब आप जहाँ रहते हो आप उस चीज को एक्सप्लेन करोगे कि आप कहाँ पे रहते हो कितना दूर है आपकी सिटी से आप विलेज में रहते हो होमटाउन में रहते हो कैपिटल सिटी में रहते हो कहाँ रहते हो राइट वॉट इज योर फेवरेट रूम आपका फेवरेट रूम कौन सा है अब आपको अपने रूम के बारे में है यू कैन टॉक अबाउट योर ड्रॉइंग रूम यू कैन टॉक अबाउट योर ओन बेडरूम आप किसी भी रूम के बारे में सकते हो राइट आपका स्टडी रूम भी आप स्टडी रूम बिकॉज इट्स द ओनली रूम वेयर आई कैन गेट पीस एंड गुड अब आपने रूम तो बताया कि आपको स्टडी रूम पसंद है बट क्यूँ पसंद है ये भी आपको बताना है क्योंकि वहां पे आपको क्या मिलता है पीस मिलता है कामनेस मिलती है

एग्जामिनर देवर आस्क यू वो आपसे कभी नहीं भूलते कि आप क्या करो वाई और वाई नॉट का आंसर दो हाउ इज हाउ इज ये अपार्टमेंट कैसा है ठीक है आपको अपने अपार्टमेंट के बारे में बताना है रूम कैसे है कर्टन कैसे है कैसे डिजाइन हो रखा है आर्किटेक्चर कैसा है आपके पूरे अपार्टमेंट का सो आई डोंट लाइक लॉड्स ऑफ ओवर द टॉप डेकोरेशन सो आई गेस यू वुड डिस्क्राइब इट एज मिनिमल The walls are all white and the furniture is also either white or black. There are few ornaments or pictures because again I like to keep things quite minimal and I hate clutter. अब उसका घर कैसा है उसने describe करा उसको कैसी चीजें अपने घर में पसंद है कैसी चीजें नहीं पसंद है he describe both things. So आपको भी अपने apartment कैसा decorated है वो बताना. Let's talk about food. अब व्हाट्स योर फेवरेट फूड सबसे पहला क्वेश्चन फूड में ये पूछा जाता है कि आपका फेवरेट फूड क्या है अब आप ये बताओगे कि आपको सपोज आपको ये फूड पसंद है क्यों पसंद है ये भी आपको बताना है सो आई वुड हैव टू से दैट इट्स डेफिनेटली स्टीक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव सो इट्स अ रियल रीड व्हेन आई गेट द चांस टू हैव स्टीक एंड आई आई लव ऑल द थिंग्स दैट कम्स विद इट पेपर सॉस चिप्स मशरूम एंड राइट सो right? so, उसने बताया कि उसको कौन सा फूड पसंद है स्टीक क्योंकि उसके साथ होती है पेपर सॉस चिप्स मशरूम सो so, आपको भी क्या करना आप है आपको हमेशा से वही फूड पसंद है आई डिट रियली लाइक मीट वेन आई वॉज यंगट आई ओनली लाइक टू ईट स्वीट थिंग्स और ब्रेकफास्ट वेन आई वॉज अ चाइल्ड कोको पॉप वर माई फेवरेट तो उसने क्या बताया और भी चीजें बताई जो उसको क्या लगती है अच्छी लगती है अपार्ट फ्रॉम दू है अगर हेल्दी है तो कैसे हेल्दी है ये भी बताओगे अगर हेल्दी नहीं है तो क्यों नहीं हेल्दी है ये भी आपको बताना है सो नो नॉट एट ऑल आई लाइक ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आर अनहेल्दी ठीक है उसने बताया कि नहीं मेरी डाइट हेल्दी नहीं है मुझे तो अनहेल्दी फूड पसंद है लाइक like स्वीट्स

The weather is mostly bearable except in May when it becomes extremely hot. It rains around November and December. So, one to two statements you can talk about Chennai. Do you work or study? I'm currently in the final year of journalism. So, you study, have to study. I am planning to pursue master's in history, after which, I'm planning to work in some reputed company. आई एम मोर इंक्लाइन टू वर्ड्स कॉपोरेट कंटेंट राइटिंग एज द रिमोनरेशन इज वेरी गुड अब स्टडी के बारे में बताया अभी क्या स्टडी कर रहे हो आगे क्या करने वाले हो किस चीज में आपका इंटरेस्ट है आपने वो भी आंसर में क्या करा है प्लान करा है नेक्स्ट इज अबाउट केक्स डू यू लाइक ईटिंग आपको केक खाना पसंद है ये आई लव इटिंग और आई लव और आई लाइक ईटिंग बट माई डेंटिस्ट की ये भी बताओ रीजन भी दो However, but but my scientist says, but my scientist keeps saying that I ought to try to wean myself from sugary items to protect my tooth. not to protect teeth So he has given why and why not, reason. How often do you eat cakes? I have a cake around once a month. I will reward myself with a piece of tiramisu If I work hard,

कैसे टीवी शोज पसंद है क्यों फनी टीवी शोज पसंद है आप आंसर में क्या कर रहे हो एक्सप्लेन कर रहे हो वेन वॉज द लास्ट टाइम लाव अब लास्ट टाइम बताना है कब आप हंसे थे आई एम अ गर्ल हुली लाइक्स टू लाव सो आई थिंक द लास्ट टाइम आई है लाव वॉज येस्टे कली की बात है जब मैं बहुत ज्यादा हंसी थी वेन आई वॉज वॉचिंग अ टॉक शो लास्ट नाइट it वॉज made मी लाव टू tears इवन नाउ वेन आई थिंक ऑफ them आई फाइंड इट फनी ठीक है तो अभी भी क्या आता है उसको बहुत हंसी आती है उन बातों पर सो हैज गिवन शी है question, like क्या आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है यस आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम बाय माई सेल्फ आपने बताया कि हाँ पसंद है बट क्यों पसंद है अब आपको ये भी बताना है रीजन भी देना है in other words i don't mind being alone nowadays it's more been it's been more difficult to have real private time i mean the time just for myself therefore sometimes i like to be alone to enjoy the private time which makes me think of something or just relax when did you do the last time what did you do last time you were by yourself What did you last time i read a book and then slept

वट डू यू यूजली डू वेन यू स्पेंड यूर टाइम अब आप यूजली क्या करते हो जब आपको स्पेंड करना होता है टाइम वन ऑफ माई हॉबी इज बेकिंग एंड आई यूजली डू इट विद एवरी टाइम आई बेक आई प्रेफर टू डू विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फोकसिंग ऑन मेक मी फील रिलैक्स एंड पीसफुल इट इज अ वे फॉर मी टू रिलीज सम प्रेशर इन माई डेली लाइफ आई ऑल्सो रीड बुक्स दैट आई एम इंटरेस्टेड सो उसने बताया कि वो फ्री टाइम में क्या करती है उसकी हॉबी है बेकिंग एंड एज वेल एज वो कभी कभी क्या करती है बुक्स भी रीड करती है जिसमें वो इंटरेस्टेड है नेक्स्ट अबाउट वाटर आर वॉटर स्पोर्ट्स पॉपुलर इन योर कंट्री अब आपकी कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स क्या पॉपुलर है आई एम नॉट दैट श्योर बट फ्रॉम वॉट आई कैन सी यंग पीपल अराउंड मी टेन टू एंजॉय वॉटर स्पोर्ट्स अब कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है आपका पर्सनल ये पूछा जा रहा है कि आपको वॉटर स्पोर्ट्स पसंद है कि नहीं तो आपको आंसर कैसे देना है अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में दैट मीन पीपल ऑफ योर कंट्री सो क्या आंसर दिया कि यंग पीपल क्या करते हैं दे एंजॉय वाटर जैसे कि स्कूबा डाइविंग सर्फिंग दे हैव फन आल्सो बट फॉर अदर्स लाइक ओल्डर जनरेशन वो ये चीज नहीं करते दे आर नॉट इनटू दैट राइट सो आप अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में आंसर दोगे व्हाट स्पोर्ट्स डू यू लाइक आपको कौन से स्पोर्ट्स पसंद है अब आपका पर्सनल आंसर आएगा आई एम इंटू ऑल ऑफ स्पोर्ट्स In terms of extreme one, जो extreme वाले पानी होते हैं बिल्कुल कि हाँ आपको अंदर ही dive करना है, so that is scuba diving and surfing. Because doing it makes me feel excited and I really get a good kick out of it. And in terms of something gentle, I prefer water yoga as it helps me to keep fit. ab usne extreme bhi bata diya gentle bhi bata diya ki usko kaise water sports पसंद है. Next is talking about break. How often do you take a break? कितना ब्रेक लेते हो आई टेक ब्रेक ऑफ इन वाइल आई वाइल वर्किंग और स्टडिंग बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम है ना एक ही बारी में अगर काम करने लग जाओगे ब्रेक नहीं लोगे तो क्या हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है आपके। If I were to focus on one task continuously, I wouldn't be able to perform well. Short breaks will allow me to fresh my mind to handle my task. अब ब्रेक कैसे लेते हो, कितना लेते हो, क्यों लेते हो? take it? Why do you have explained here.

प्रैक्टिस के लिए वहां पे बहुत सारे टेस्ट हैं प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट योर बैंड स्कोर एंड बैंड स्कोर जो फोर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको मिलने वाले हैं वो उसी तरह डिजाइन है प्रैक्टिस करने के बाद चेक करो अपने बैंड स्कोर को अपनी ग्रामर को चेक करो आपने कहाँ कहाँ एरर्स करे राइट right? You can check out our live session. आप हमारे live session को YouTube और बेबी एप्लीकेशन दोनों में देख सकते हो My आपको well कर आप सेमेंट so करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेरीज है कोई डाउट है या फिर आप चाहते हो मुझे की मैं कोई चीज स्पीकिंग की कवर अप करूँ सो यू कैन पुट योर कॉमेंट्स है यू कैन पुट दल्सो थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंगशन वन जो की था किसके बारे में हमने किस चीज की डिस्कशन करी है जिसमें हमने डिस्कशन करी है कि पार्ट वन के क्वेश्चन आपको कैसे करना है राइट सो से टून फॉर माई नेक्स्ट सेशन आई बी कमिंग अप विद मोर क्लास लाइव क्लासेस थैंक यू सो मच बाय फॉर नाव